नमस्कार, इंडी टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सनवीर स्कूल बलिया में संपन्न हुआ छात्र परिषद अलंकरण समारोह। उत्तर मध्य बलिया में आज छात्र संघ देश भावी कर्णधार छात्रों नेतृत्व क्षमता उत्तरदायित्व बोध परस्पर सहयोग अनुशासन तथा कर्तव्य निर्वहन आदि गुणों के विकास को लक्ष्य कृत करके छात्र 2019-20 के लिए आज दिनांक 31 जुलाई 2019 को बलिया स्थित सनवीर स्कूल अगर संडा के प्रांगण में नवनिर्मित छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम सिंह ने तुलसी देवी वेदी दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात प्रबंधक समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, सचिव अरुण कुमार सिंह के मुख्य अतिथि को फूलों का गुलदस्ता व स्मृति चिन्ह सम्मानित किया गया। क्या बता दीजिए सर, माय नेम इज मिसेस सीमा, प्रिंसिपल संदीप बल्ला। यार कैसा कार्यक्रम है सर? आज का जो काउंसिल मेंबर सेरेमनी है ये हमारे लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज होती है। जो स्कूल का मैनेजमेंट एक अथॉरिटी, इन बच्चों के शोल्डर्स पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफ़र करते हैं और इनका काम ये है कि पूरा साल भर जितने भी स्कूल के कार्यक्रम होते हैं या कोई भी फंक्शंस रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, ये इंडिपेंडेंटली इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर अपना काम करेंगे। क्या बता दीजिए? मैं डॉक्टर नीलम सिंह, डेंटिस्ट हूँ, बलिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी आज कैसा कार्यक्रम इस विद्यालय में संबिम आज कैसा कार्यक्रम हुआ संबिम? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में ये सेलिब्रेट किया जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इससे लीडरशिप डेवलप होता है, आगे वो पेरेंट्स बनते हैं उसमें भी ये बहुत काम आता है, आगे जॉब पे जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसमें भी बहुत काम आता है। उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, है ना, लीड करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के ऊपर एक जैसे कोई काम कराना है हमें, है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से काम कराएं। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है, मतलब है कि उनको मिला जुला कर, उनका ब्रेन वॉश करके उनको सही रास्ते पे ले जाएं। ठीक है। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, डायरेक्टर संगम स्कूल बलिया। आज कैसा कार्यक्रम है आपके विद्यालय में? आज स्टूडेंट काउंसिल सेरेमनी है। प्रतिवर्ष जैसा कि जानते हैं स्कूलों में बच्चों को जिम्मेदारियाँ दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसी जैसे हम लोग के परिवार में होता है कि संस्कार, कई तरह के संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार, उसी तरह से स्कूल में एक है काउंसिल मेंबर सेरेमनी। आज के बाद हेड बॉय, हेड गर्ल और जो तीन ग्रुप हैं संबिम स्कूल बलिया में, येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, तीनों के अलग अलग कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन और कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो पूरे टीम के डिसिप्लिन को, पूरे टीम के जितने भी प्रोग्राम प्रायोरिटीयर प्रोग्राम होते हैं सारे प्रोग्राम को स्मूथली पूरा व्यवस्थित तरीके से कंडक्ट कराने के लिए काउंसिल मेंबर बनाए जाते हैं, वही प्रोग्राम एसएमयू स्कूल बलिया में कराया गया। सवाल तो विकास के लिए क्या करेंगे जी? इनकी बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए कैसे हुई? ये खुद बच्चों के द्वारा, जो संबिम स्कूल के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा सिलेक्टेड मेंबर हैं, इनका बाकायदे चुनाव हुआ है, ये बच्चों के द्वारा वोटिंग के थ्रू चुने गए हैं और ये रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं। इतने 1400 बच्चों के बीच से इनका सिलेक्शन हुआ है और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी जानते हैं और लीडरशिप इनके अंदर डेवलप होगी, ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। उन बच्चों के लिए क्या देंगे जो बच्चे आज तक विद्यालय नहीं जाते हैं, आज भी घर पर बैठे रहते हैं, जो अपने माँ बाप पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, वो बच्चे को विद्यालय नहीं भेजते हैं, गाँव को तक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हम लोग की नॉलेज में ऐसा कोई आता है तो हम लोग उसको अप्रोच करेंगे, उसको चाहेंगे कि वो शिक्षा से जुड़े, स्कूल जाए, स्कूल आना शुरू करे और जो भी जितना भी अधिक से अधिक हो सकता है मदद पहुँचाना, ऐसे हम लोग करते भी हैं। बेसिक शिक्षा के द्वारा जो भी आईटी के थ्रू जो बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं इस ब्लॉक के, हनुमान जी ब्लॉक के, उनका हम प्रवेश लेते हैं, निःशुल्क प्रवेश लेते हैं, वो बच्चे भी इसमें इंक्लूड हैं, वो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं।